काला जादू तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके कई औरतें ऐसे पुरुष को अपने वश में कर लेती हैं जो पहले से ही शादीशुदा होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए वो किसी परिवार को हमेशा के लिए अलग कर देती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देखते ही आपको पता चल गया होगा कि आज का उपाय किसके लिए होगा। तो नमस्कार साधकों, मंत्र साधना में आपका स्वागत है। वैसे तो पति वशीकरण पर मैंने बहुत से प्रयोग, बहुत से टोने टोटकों के ऊपर वीडियो बनाई है, लेकिन क्या हो जब किसी गलत औरत ने आपके पति को अपने वश में कर लिया हो। आपको पता भी नहीं लगेगा, जिस तरह मुट्ठी में रेत नहीं संभलती, उसी तरह आपका पति आपके हाथों से निकलकर कब उसके साथ में चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे पास बहुत सी स्त्रियां आती हैं जिनका पति पूरी तरह से उन्हें छोड़कर दूसरी औरत के पास चला गया है। अक्सर इसकी शुरुआत आपके साथ हर छोटी छोटी बात पर लड़ाई से होती है। आपके पति की आप में से रुचि खत्म होने लग जाएगी, आपके शारीरिक संबंध भी बिगड़ने लग जाएंगे, यहाँ तक कि कभी कभी वो आपसे तलाक की बात भी करेगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समय व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें। आप ये उपाय करें या आप मुझसे डायरेक्ट समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। आप जब भी अपने पति के साथ संभोग करें तो आप अपने वीर्य पर ओम क्लीम काम देवाय मम वश्यम कुरुकुर स्वाह मंत्र का जाप करके आप अपने पति की ललाट या उसकी छाती पर लगाएं। मंत्र आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और आप अपने पति के पहने हुए कपड़े पर अपने पहले दिन के मासिक रक्त और सिंदूर को मिलाकर कपड़े पर इसी मंत्र को लिखें। मंत्र आप जैसा भी लिखें उसे पूरा जरूर करें और कपड़े को फोल्ड कर आप मोली से अच्छे से लपेट लें और 3 रात अपने पास रखें और 4th दिन आप कपड़े को घर से बाहर कहीं मिट्टी में दबा दें। आप अपने पति का रुमाल भी ले सकते हैं, आपको दबाने में आसानी रहेगी। कुछ ही दिनों में वो दूसरी औरत ने जो भी क्रिया आपके पति पे की है वो सब खत्म होने लगेगी और आपका पति धीरे धीरे आपके वश में हो जाएगा। और आपसे एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जब भी आप अपने पति के साथ संभोग करें अपने वीर्य को जरूर इस्तेमाल करें। जिस तरीके से पहला उपाय बताया है उसी तरीके से अपने वीर्य का प्रयोग करें, आप देखना हमेशा के लिए वो आपका गुलाम बना रहेगा। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। काफ़ी लंबे समय बाद वीडियो आई है, लेकिन अब निरंतर आपको वीडियो तंत्र विद्याओं पर जानकारी मिलने लगेगी। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।